कुंडी और बारी पंचायत समिति के 165 गांव जो पानी से वंचित थे उनको जवाई बांध से जोड़कर पाइपलाइन द्वारा पानी उपलब्ध करवाने की आपकी जोरदार मांग है और इसको आपको ध्यान में लेने की जरूरत है। बारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर पीने के पानी के लिए हम लोगों ने अपने बजट में 5 योजनाएं स्वीकृत की थी, बीसरपुर पेयजल योजना, नाना पीपला लाटड़ा बांध और टूटिया बांध के लिए हम लोगों ने पैसे भी अलग से रख दिए थे, लेकिन कांग्रेस आई सत्ता में और जो हम लोगों ने काम चालू किए थे वो सब के सब आपके वहां बंद हो गए, ये आगे बढ़े ही नहीं है। और इसीलिए बाड़ी शहर की हालत ये है कि 3 दिन में एक दफा बाली शहर के अंदर पानी की सप्लाई होती है, क्या ये सही है? 3 दिन में एक दफा, देखो तो सही कितने सारे लोग हैं, कितना बड़ा शहर है और वहां 3 दिन में एक बार आपके यहाँ पानी आता है और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर तो उससे भी भारी स्थिति है। ये सब लोगों ने मुझे चल चल के रिपोर्ट की। मैं बाली शहर की बिजली भी आप लोगों को पूछना चाहूंगी, मैंने महिलाएं के लिए एक अलग से लाइन निकाली थी जिसको मैंने सिंगल फेज की बिजली कही, हमारी 2008 में जाते जाते आपको 18 से 20 घंटे पावर देने का काम हम लोगों ने किया था माता बहन, और मैं ये जानती हूँ कि अगर 6 महीने और अपनी सरकार रह जाती तो आपको 24 घंटे बिजली देने का काम हम करते, और जब हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले घरेलू बिजली आप लोगों को 24 घंटे घरों के अंदर मिलने का काम होगा, तो मैं सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। ये काम आसानी से हो सकता है, बस सरकार ऐसी है जिसकी इच्छा शक्ति नहीं है, और क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है इसलिए आप तक जो पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा, या किसान इतनी संख्या में खड़े हुए हैं। मैं सब किसान भाइयों को ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को 8 घंटे बिजली पर्याप्त मिल रही है क्या? मुझे यहाँ बताया जाता है कि मात्र 4 घंटे मुश्किल से और वो भी जोरदार ट्रिपिंग के साथ आप लोगों को बिजली मिलती है, तो आदमी को तो बहुत परेशान हो जाना है, किसान बहुत परेशान है इस बिजली की व्यवस्था से। आपका अगर ट्रांसफॉर्मर बिगड़ जाता है तो बिना रिश्वत के नहीं पहुंचता, मैंने सुना, क्या ये सही है? बिना रिश्वत दिए और 72 घंटे में तो आता ही नहीं है, अगर आता है तो 1 महीने 1.5 महीने कभी कभी 2 महीने लग जाते हैं, और उसमें जब तक आपने रिश्वत नहीं दिया तब तक वो आपके घर पे आता नहीं है। फिर दूसरी तरफ से लोगों ने अपने कनेक्शन मांगे, छोटे छोटे गांव के अंदर कनेक्शन मांगे, परंतु किसी को कनेक्शन देने का काम किया क्या? गरीब लोगों को किसी को कनेक्शन देने का काम किया? भाई ये तो घोषणा हुई है, मैंने देखा है कि मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया कि जो बीपीएल के परिवार हैं और जिनको ये मुसीबत है उनको हम 2 CFL के बल्ब देंगे। अब आपके यहाँ तो बिजली का कनेक्शन है, आज जाके वो CFL का बल्ब लेके आ जाओ, तो एक ने कहा कि हम गए उस CFL के बल्ब को लेके आए, 5 मिनट में फ्यूज, और ये CFL के साथ, तो CFL के अंदर भी घटिया क्वालिटी। अब समझ लो आप कि ये जिस तरीके से कांग्रेस राज कर रही है, अगर इस कांग्रेस को और राज करने का मौका हम लोग देंगे तो राजस्थान का तो भट्टा पिठा दिया ही है, आगे भी जो बचा पड़ा है उसको खत्म करने का काम ये सरकार करेगी। बाड़ी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मेरे को ये बताया जा रहा है जयपुर के अंदर कि आप लोगों को फ्री दवाई मिल रही है, ये भी बताया कि आपकी मुफ्त जांच हो रहे हैं। मैंने पता किया कि आप लोगों के क्या हॉस्पिटल की स्थिति है, तो 50 से 75 बेड में क्रमोन्नत किया था हमने, और यहाँ 14 डॉक्टर्स के पद सृजित किए थे, आज मुश्किल से 5 डॉक्टर वहाँ हैं और वो विशेषज्ञों का अभाव है, क्या ये सही है? यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य के सारणी जहाँ 7 होने चाहिए वहाँ कम है, जहाँ देसुरी के अंदर 7 की जगह में फिर वो 2 है, और आपके नाडोल में 7 के स्थान पे 2 है इस तरीके से, और कहीं भी महिला रोग विशेषज्ञ नहीं है, है क्या? नहीं है, कहीं भी नहीं मिली, पर पूरे राजस्थान में नहीं मिली। पर मेरे को ये बताया कि बाली एक जगह है जहाँ महिला विशेषज्ञ है, प्राइवेट में, सरकारी नहीं है, तो मैं तो इतनी खुश हो रही थी आज, क्योंकि मैंने जब रिपोर्ट पढ़ी तो मैंने कहा चलो ये पुष्पेंद्र सिंह जी ने मेहनत करके बड़ी मशक्कत करके
मैंने गांव में पूछा, कस्बे में पूछा, शहर में पूछा, मालूम नहीं कहां चली गई है, कोई भी मेरे को महिला विशेषज्ञ नहीं मिला। बस एक गांव चिराना नाम का गांव है जो झुंझुनू के अंदर है, तो मैं उन गांव वालों को बोला, मैंने कहा वाह आप लोग तो बहुत ही अच्छी स्थिति में हो कि आपके पास एक महिला विशेषज्ञ है। बोले साहब वो तो यही की लड़की है, यही की लड़की है इसलिए यही काम कर लेती है, परंतु पूरे राजस्थान के अंदर एक भी नहीं, आज तक एक नई स्थिति है। तो मुफ्त दवाई कहां से आएगी, कोई लिखने वाला नहीं, कोई जांच करने वाला नहीं, और वहां झुंझुनू के अंदर इंजेक्शन मुफ्त जो दिया जा रहा था उसके अंदर कांच के टुकड़े, ये तो स्थिति आपकी निचली आपके मेडिकल की। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि सेकेंडरी और सीनियर स्कूल के अंदर विषय के अध्यापक और व्याख्याताएं नहीं, और अधिकांश पद आपके खाली चल रहे हैं, तो बच्चों की कैसी पढ़ाई होती है मुझे नहीं मालूम। इसी तरीके से आदिवासियों की जो कब्जा शुदा जमीन से पट्टे देने की जो मांग थी, और जो ये कल के दिन इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा लगा के कह रहे थे कि 2.5 लाख पट्टे हमने गरीबों को देने का काम कर दिया, उसमें सरासर झूठ पर मैंने को तो दिखा नहीं। यहाँ किसी को पट्टा मिला, किसी गरीब को पट्टा मिला? मैं कल आबू रोड से निकल के आ रही थी तो एक झुंड मेरे को रस्ते में मिला, मैंने उनसे कहा कि टाइगरी खड़े हो, हमारी बात सुनो, हमारे इस इलाके के अंदर एक जेसीबी लगी और जेसीबी को लगा के हमारे सबके घर तोड़ रहे, तो मैंने कहा तुम्हें पट्टे हैं क्या? उनने कहा पट्टे नहीं है, हमने अप्लाई किया है और 50-50 साल से हमारे परिवार, उनके परिवार, उनके परिवार के परिवार यहाँ रह रहे थे और हम लोगों को तो नहीं दे रहे हैं, हमारी जमीन, हमारी भूमि, हमारे घर को बुलडोज करके खत्म कर रहे हैं। मैंने उनको ये कहा ये तो भूमाफिया का काम है, आपको तो यहाँ से बेदखल किया जाएगा और राजस्थान में बताया जाएगा अखबारों में कि हमने पट्टे दिए, पर पट्टे गरीब को नहीं मिलेंगे, गरीब को नहीं मिलके उन लोगों को मिलेंगे जो आज राजस्थान के अंदर इस कांग्रेस की वजह से काबिज हैं, जो भूमाफिया की तरह से हर डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरह से खत्म करने का काम कर चुके। मैं अभी बाड़मेर से होते आ रही हूँ, तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर का कोई हिस्सा जहाँ भाव मनमलोदी है, जहाँ सौर ऊर्जा लग रही है, वह सब दूर नाम दुनिया कि हम लोग रिफाइनरी खड़े करेंगे। तस्वीरों के अंदर आपकी ऐसी रिफाइनरी खड़ी हो गई जैसे लग चुकी है, परंतु वहां जाके देखो तो कहीं कुछ नहीं है। पहले गए बाईथू के अंदर, बाईथू के अंदर फीता काटने का काम पेट्रोलियम मिनिस्टर ने किया, मंत्री आए, सब लोगों को बुलाया और सेक्शन 4 कर लिया, सेक्शन 6 कर लिया और नगर सबकों की मतलब यही लगने वाला है, होते होते यहाँ से उठा के 55 ले, और 55 के अंदर 6 महीने पहले ही ये जमीन खरीद फरोख्त का काम चल पड़ा था। इसका मालूम था सर, भूमाफिया को मालूम था कि यहाँ ये करने जा रहे हैं। अब वहां भी उन्होंने काम चालू कर दिया है तो वहां भी भूमाफिया लगी हुई है, पानी की माफिया, माइनिंग की माफिया, हर चीज में माफिया। गरीब का क्या हाल है बताओ भाई, गरीब का कोई पूछता ही नहीं है। अभी मैं सानावास से निकल रही थी तो सानावास में चाय पीने के लिए हम लोग रुके, तो जब हम रुके तो एक बूढ़े बाबा जो लेबर करते हैं वो सड़क पे खड़े हुए थे, साइड में खड़े हुए थे और उनके हाथ में लंच बॉक्स था, मैंने खाने का टिफिन। तो मैंने सोचा कि इनसे पता किया जाए कि आज जो हम लोग इतना कह रहे हैं कि हमने गरीबों का स्तर बढ़ा दिया है, तो इनसे भी पूछा जाए कि इनको किस तरीके का भोजन मिलता है। क्योंकि आज ही अखबार के अंदर ये देखने को मिला है कि जिसको शहर के अंदर 33 रुपए हैं और जिसको गांव के अंदर 27 रुपए हैं वो तो बीपीएल ही नहीं है, वो तो बहुत ही अपने पैर पे खड़ा होने वाला ऐसा व्यक्ति है और उसको किसी ने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आपके मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री ने कहा। तो मैंने उनको बुला के पूछा, सोचा कि ये भी 27 रुपए वाले में होंगे और उनको भी बहुत अच्छा खाना मिल रहा होगा, क्योंकि उनका ये भी कहना था कि ये महंगाई इसलिए हो गई है कि गरीब के लोग, गरीब जो है वो अंडे खाने लगे हैं, वो दाल खाने लगे हैं, वो सब्जी खाने लगे हैं, अरे सब खाने लगे हैं इसलिए महंगाई हो गई। अब बताओ भाइयों ये क्या है? तो मैंने उनसे पूछा तो हंस के बोले कि वह आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमने कहा पता करना चाहते हैं कि आप तो लेबर का काम करते हो, आप क्या खाते हो दोपहर को? उन्होंने बोला 2 रोटी और हरी मिर्ची। हमने पूछा कि आपको क्या अचार है क्या? उन्होंने कहा गरीबों के लिए कौन अचार डालेगा, कौन डालेगा हम लोगों के लिए अचार। फिर हमने कहा प्याज, उन्होंने कहा प्याज इतना महंगा है कहाँ से प्याज लाएंगे,
हम तो अपनी रोटी के को एक मिर्ची के साथ खाते हैं। कभी कभी अगर हमारा बहुत अच्छा भाग्य खुल जाता है तो हमको थोड़ी सी सब्जी मिल जाती है। आज ये स्थिति है और बीपीएल वालों के साथ कितना जोरदार फ्रॉड हो रहा है वो आप देखिए। बीपीएल वालों को तो जो वाकई में गरीब है उनको तो बीपीएल में नहीं रखा है, और जो लोग बदमाशी कर रहे हैं और जो बीपीएल को मारे नहीं जा सकते तो सबको बीपीएल में छोड़ दिया है। भाइयों इनकी इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, पता नहीं करना चाहिए क्या हो रहा है यहाँ। और मैं दूसरी बात और पूछना चाहती हूँ, आप लोग मेरे को ये बता दीजिए कि यहाँ जो बिजली का काम जो किसान के साथ बिजली पानी खाद बीज कुछ भी नहीं मिल रहा है, आज पहली दफा किसान आत्महत्या करने की कगार पे नहीं कर रहा है, और राजस्थान के अंदर ये कभी नहीं होता था, परंतु आज हमारा किसान इस हालत में आ गया है। इस किसान का क्या करने वाले हैं, हमारे युवा का क्या करने वाले जो आज उनको नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे टाइम में इनको पूरी तरह से 10 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी और गैर सरकारी बच्चों को नौकरी देने का काम किया। आज 2000 पटवारी की नौकरी का मैंने अनाउंसमेंट हुआ, 12 लाख लोगों ने आवेदन भरा, कितने 12 लाख, और 7.5 लाख ने परीक्षा की। अरे रोज रोज अगर नौकरी दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। और मैं सब बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि टेट का प्रबंधन हम लोग करेंगे और आरपीएससी के द्वारा आप लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। अभी मैं सब लोगों को, मेरे पास जो 3-4 कागज आए, एक सबसे पहले तो मजेदार तो ये है, आप लोग सरकार के विज्ञापन पढ़ रहे हो ना, आज वो बीपीएल वाला विज्ञापन है, बीपीएल का विज्ञापन है। कौन बन रहा है विज्ञापन, कौन बन रहा है बीपीएल, ये कोई बताए? जिनको बीपीएल बनना चाहिए उसको तो नहीं बनाया जा रहा है, और जिसको नहीं बनना चाहिए वो बड़े जोरदार तरीके से आप कह रहे हो कि हमने तो उनको बना दिया। ये कौन सी बड़ी बात की आप लोगों ने, मेरे को ये बताया जाए। आजकल अखबारों के अंदर झूठे विज्ञापन आराम से आ रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रदेशवासियों पहली बार ये हुआ है राजस्थान में, और ऐसे 77 निकल आए अखबार के अंदर। सरकार को विज्ञापन में ये सच भी उजागर करना चाहिए ना कि वाकई में ये हुआ है कि नहीं हुआ है। पहली बार हुआ है राजस्थान के अंदर मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया, पहली बार ये हुआ है कि पीडब्ल्यूडी के मंत्री ने कह दिया कि ये सब घोर यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे पीडब्ल्यूडी के सब अफसर जो है ये संदेश यात्रा के गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डाल रहे हैं, मंत्री ने कह दिया। एक वो उसके ऊपर टंकी के ऊपर चढ़ गए, और टंकी के ऊपर चढ़ के उनने पूरी तरह से लोगों को बताया कि ये पार्टी किस इस पार्टी को किस तरीके से। मैं इसके साथ साथ ये कहना चाहती हूँ कि क्या ये पहली दफा जो हो रहा है उसको जनता अपने ध्यान में नहीं रखेगी? अपनी पार्टी ही कह रही है कि ये सब काम हो रहे हैं, और खुद खा रहे हैं, खुद पी रहे हैं, खुद मौज मस्ती कर रहे हैं। बहुत हो गया भाइयों, अब समय आ गया। 53 साल हमने इनको दे दिए, 65 साल के अंदर से 5 साल बड़ी मुश्किल से तो आपने मुझे दिए, 7 साल आपने भैरव सिंह जी को दिए। हम लोगों ने बीमारू प्रदेश को अपने पैर पे खड़ा करने का काम किया, पहली दफा बीमारू प्रदेश नहीं था राजस्थान। आज इन लोगों ने फिर 4.5 साल के अंदर 10 साल पीछे हमारे राजस्थान को पहुंचाने का काम कर दिया है। मैं सब लोगों को यह कहना चाहती हूँ कि अगर ये समय निकाल लो तो 53 साल होते हैं। उधर नरेंद्र मोदी ने 15 साल के अंदर आपके गुजरात का कैसा कायापलट कर दिया बताओ। मध्य प्रदेश में चले जाओ, मध्य प्रदेश के अंदर आपके उस मुख्यमंत्री ने कैसा 10 साल के अंदर कायापलट किया है जाके देखा। पूरे देश के अंदर जब बिजली का ग्रिड खत्म हुआ और पूरा देश जब अंधकार में रहा, तो छोटा सा छत्तीसगढ़, वो भी 10 साल पुराना, उसने पूरा भार वहन करते हुए पूरे देश को बिजली देने का काम किया। ये था छत्तीसगढ़ प्रदेश, और ये राजस्थान जहां 53 साल हमने एक ही पार्टी को दिया, और क्या हमारा करके रख दिया है वो देख लीजिए, ऐसी हालत करके रख दी है। आप लोग गड्ढे में पड़े हुए हैं, मैं ये कह रही हूँ कि अब बहुत हो गया भाइयों, अब अपने को इन बातों में नहीं आना है, अपने को आगे चलना है, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना है, एक परिवार के रूप में साथ मिल के चलना है, 36 के 36 टोन को छाती से लगाना है, और जो मजहब है उन सब मजहब को साथ लेके चलना है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि कोई आपके विकास को रोक नहीं सकता है भाई। आप जाते हो गुजरात,
कितना शर्म शर्मिंदा होना पड़ता होगा। आपके वहां भी रिश्तेदार है, यहाँ भी रिश्तेदार है, तो जब आप वहां जाते हो तो यहाँ वापस आते हो, कहते क्या रोड है, कैसी नौकरी मिलती है, कैसा काम हो रहा है, यहाँ तो ठीक है। तो वहां से कोई रिश्तेदार अगर कहता है कि भैया मैं तुम्हारे यहाँ 4 दिन रहने को आ रहा हूँ, तो दिल के अंदर ऐसा होता है कि मेरी सड़क देख के क्या बोलेगा, यहाँ नौकरी नहीं मिलती है तो क्या बोलेगा। अगर बीमार हो गया और डॉक्टर नहीं है, हम जानते हैं, इसको हम अस्पताल ले गए, तो क्या बोलेगा। ऐसे आपको कहना पड़ेगा चलो अहमदाबाद, चलो पालनपुर, तो कितनी शर्म की बात होगी। ये सब हमारे लोग बार बार मिल मिल के मेरे से ये कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी इज्जत के साथ बहुत दिन से खिलवाड़ हुआ है। आप राजस्थान की जनता की इज्जत को रखना है तो एक नया राजस्थान की कल्पना करनी है, एक ऐसा राजस्थान हम बनाएं जिसके अंदर हमारे सब किसान हो, व्यवसायी हो, हमारे लड़के बच्चे हो, हमारी महिला हो, हमारे सब लोग जो भी है, वो पूरा परिवार एक आवाज पे निकल जब पड़ेगा तो राजस्थान की कायाकल्प होगा। एक खुशहाल राजस्थान, एक समृद्ध राजस्थान, एक बहुत ही सुंदर राजस्थान बनेगा। जैसा राजस्थान बनेगा, जैसे एक जमाने में आप लोग सब जानते हो लोग आते थे राजस्थान को देखने के लिए, फिर आएंगे, फिर कहेंगे है वो है राजस्थान, फिर हमारे नाम गुजरात और तमिलनाडु और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान का भी नाम उसमें आएगा। मैं समझती हूँ कि वो दिन दूर नहीं है, परंतु एक व्यक्ति नहीं कर सकता, मैं तो आगे दौड़ सकती हूँ, पर तैयारी तो आप लोग सबको करनी है। आप लोग तैयार हो क्या? आप मरने को तैयार हो? आपको ये डराएंगे, धमकाएंगे, लुभाएंगे। आजकल लुभाने का सीजन चल रहा है, आपके बीच में आके बोलेंगे चावल चावल चाहिए, ले लो ले लो, उसके पैसे जितने लेने ले लो। ये कहेंगे हमारे युवाओं को लैपटॉप लैपटॉप चाहिए, चलो लैपटॉप की जगह में पैसे ले जाओ। अब महिलाओं को कहेंगे अरे मां नरेगा में तुमको नौकरी नहीं मिली, तुमको सही तरीके से पैसे नहीं मिले, अरे माता बहनों उसको भूल जाओ, लुगड़ी चाहिए तुमको लुगड़ी देते हैं, लो पैसे ले जाओ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनने हमको सोच क्या रखा है, ऐसे पैसों की बौछार लगाई है, और ये सरकार के पैसे भी नहीं है, ये सब आपके पैसे हैं, ये सब आपके जेब के पैसे हैं, जिसकी जेब के अंदर ये हाथ अपना डाल डाल के पैसा निकाल निकाल के आज इलेक्शन के ऊपर पूरी तरह से खर्च कर रहे हैं। क्या आपने इनको ये करने का मौका दिया है? क्या आपने इनको कहा है कि आप ये काम कर सकते हो? नहीं। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि ले तो लो, क्योंकि ये पैसा है, और आप नहीं लोगे तो ये तो सीधे जाएगा उनके बैंकों में, इसलिए पैसा तो ले लो, परंतु घबराओ मत, जब समय आएगा चुनाव का, ऐसे टाइम में हम लोग सबको मिलके इस नए राजस्थान की कल्पना करते हुए एक साथ जुट के अपने को आगे चलना है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यह सभा जीत के जाएंगे ही जाएंगे, और राजस्थान के अंदर आपके तरफ से हम लोग सरकार बनाएंगे। सरकार बना के जो अपने काम है वो अपन ही करेंगे, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, हम ही करेंगे आपकी मदद, हम मिलकर अपना काम करेंगे। इसलिए मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ, आज है घुमंतु जातियों के बारे में एक कहना चाहूंगा। घुमंतु जातियों के लिए हमने चला के कार्ड बनाया, तो हमने कहा बहुत ज्यादा गरीब है, तो ये घुमंतु जातियां जहां जहां जाती हैं उनको कार्ड दिया जाए, उनके भेड़ के लिए कार्ड दिया जाए, इनके बीमा के हिसाब से ऊंट के लिए दिया जाए, उनके गाय बैल भैंस के लिए दिया जाए, तो उनको दिया। और उसके साथ साथ मैंने बात की, आप लोग सबसे बात की, आपके रूपा जी से बात की, और एक जगह जहाँ सब घुमंतु जाति ऊपर नीचे जाती है, वहां हम लोगों ने हरियाली स्कूल नाम का एक आवासीय स्कूल को चालू किया, वह अच्छे टीचर रखे, और हमारे घुमंतु जातियों के जो बच्चे थे, जो कि मैं खुद वहां स्कूल में जाया करती थी, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेके वहां से निकले। आज पहुंचो जरा हरियाली और हरियाली की हालत देखो, इन लोगों ने क्या करके रखी, कहां था वो स्कूल और आज कहां हो गया है। भाइयों, इस सरकार के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए आज आप लोगों को मैं कहने आई हूँ कि आएगा मौका जब ये आपके सामने आएंगे, इनकी किसी की बात नहीं सुननी है, एक नए राजस्थान का नाम लेके हम लोगों को चल पड़ना है, और इसलिए आप सबको सबको साथ लेके चलने का काम है ये, और मैं इसलिए जोरदार नारा करवाऊंगी आप लोगों से, जय जय राजस्थान। तो मेरे को तो पहुंचाना है जयपुर, इतना जोरदार नारा हो तो यहाँ से पहुंच जाए जयपुर, जय जय राजस्थान।
राजस्थान, जय राजस्थान। आओ हम लोग सब साथ मिलकर चले। Thank you.